सत श्री अकाल जी। अज आप गल करांगे सर्बिया बारे, क्योंकि सोशल मीडिया से बहुत सारा रौला पिया होया कि इंडियन ले सर्बिया ने एंट्री बंद करती आ या इंडियन नू ऑन अराइवल वीजा नहीं दे रहे। तो दोस्तों अज आप इस बिहाब से गल करांगे भी वह किस चीज़ का रौला आ, भी वह एंट्री अपन दे रहे आ या नहीं दे रहे, तो उहदे छे की कारण आ भी वह क्यों नहीं एंट्री दे रहे। तो दोस्तों अज की वीडियो दे विच आपां सारी गलबात करांगे। तो उस तो पहला जे तुसीं साडे चैनल ते पहली बारी आए हो तो प्लीज़ साडे चैनल नूं सबसक्राइब करियो। जे साडी जानकारी तुहानूं वधिया लगेगी तो वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करियो। तो दोस्तों हुण आपां गल कर लैंदे आ कि जिहड़ा हुण सोशल मीडिया ते बहुत सारा रौला पिया होया कि जी सर्बिया ने इंडियन लई वीजा बंद करता आ, इंडिया नूं उह एंट्री नहीं दे रहे। तो दोस्तों इदां दी कोई गल नहीं, इंडिया नूं वीजा भी मिल रहा आ, एंट्री भी मिल रही आ, सब कुछ जिस तरीके नाल पहला चलता सी उसे ही उस तरीके नाल चल रहा आ। पर हाँ उन्हें थोड़ा जिहा टाइट करता, क्योंकि अज तो 4-5 महीने पहला बंदे ईजी जाते इन्नी इनकवायरी नहीं करते, इमीग्रेशन भी इन्ने सवाल जवाब नहीं करते, थोड़े को होटल बुकिंग होनी चाहिए सी, जस्ट एयर टिकट आने जाने की होनी चाहिए सी, तो वह एंट्री थानू देंदे सी। पर हुण दे टाइम जो उन्होंने पता लग गया कि इतों डोंकी ला के वह यूरोप दियां दूसरी कंट्री मूव हो रहे आ, तो उन्हें थोड़ा जिहा काम टाइट करता आ, वो सवाल जवाब ज्यादा करन लग पे आ थोड़े नाल। इस करके जिहड़ा यह रौला आ, ज़्यादातर जिहड़ा रौला आ जिहड़े साडे फेक एजेंट बैठे आ जिन्हें अपना लखा रुपया थोड़े कोलों वह कमाउणा आ, उन्हें यह रौला पाता जी सर्बिया ने इंडियन नूं वीजा नहीं दे रहे, उन्हें एंट्री बंद करती आ। तो भी वह थानू कहणगे जी असी थानू दवा देंगे इन्ने लख रुपया लवेंगे जी, इन्ने लख लवेंगे। तो दोस्तों थानू लख रुपया लाने की लोड़ नहीं, देखो एंट्री जिस तरीके पहला मिलती सी हुण भी उस तरीके मिलती आ, जस्ट उन्हें सवाल जवाब थोड़े ज्यादा करते आ। जे तुसीं सर्बिया जाना चाहते हो तो पहली गल तो यह है भी दोस्तों थानू इंग्लिश आन दी होनी चाहिए आ, जे ज़्यादा नहीं तो तुसीं ऑफिसर ना थोड़ी जी गलबात उन्होंने दस सको या उन्होंने गल समझ सको, इन्नी तो थानू इंग्लिश आन दी होनी चाहिए आ, फिर ही तुसीं सर्बिया की ट्राई करो। उस तो बाद दूसरे नंबर पर जो भी तुसीं जाने हो जिहड़ा होटल बुकिंग अपना करना है वो इत्थों तुसीं पैसे दे के ही करो। कई साडे वीर जिहड़े आ उह की करदे आ वे उह आफ्टर पे वाला उह कर लैंदे आ बुक वी असीं उत्थे जाके पैसे दे दांगे, क्योंकि दोस्तों जदों ऑनलाइन चैक करदे हो ते सारी उह डिटेल तुहाडी आ जांदी आ। तो दूसरे नंबर तो जिहड़ी तुसीं उह फ्लाइट टिकट करनी आ उह जे तुसीं इंडिया तो गए हो तो वापसी इंडिया दी ही करो, जे तुसीं दुबई तो या होर कंट्री तो गए हैं तो उत्थों भी तुसीं जे इंडिया दी ही वापसी करो, उत्थों ये ना करो जे तुसीं दुबई तो गए हैं तो दुबई नूं ही वापसी तुसीं, वो गलत गल हो जानी है। जे तुसीं दुबई तो जा रहे हो या होर कंट्री तो जा रहे हो तो वापसी इंडिया दी ही करो, ठीक है ना। उस तो बाद तुसी जेड़े कोल पैसे लेके जाने आ वो भी ये नहीं भी 2000-4000 वो यूरो अपनी जेब च पा के ले जाओ, तो तुसी जेड़े जिन्ने दिन जिते 3-4 दिन रहना है उहदे लई 300-400 यूरो बहुत है तुहाडे कोल रहन सहन खाण पीण सब कहे दा। ये नहीं भी तुसी 3 दिन दी उत्थे स्टे कीती ते 4000 वो यूरो तुसी लेके कोल जा रहे हो। तो दूसरी गल ये आ भी जदों भी तुसी ऑफिसर ना कोई भी वो सवाल जवाब वो करदा आ उहदे तुहानू पता होना वो चाहिए आ, थोड़ा जिहा थानू उस कंट्री बारे भी पता होना चाहिए जिथे तुम जा रहे हो। जो तुम सर्बिया जा रहे हो तो सर्बिया बारे थोड़ी थोड़ी जी नॉलेज होनी चाहिए आ कि इहदी कि राजधानी आ, इहदे तुसी किस शहर में जा रहे हो, उत्थे तुसी की वो देखना आ, किहड़े किहड़े इत्थे टूरिस्ट प्लेस आ। तो दोस्तों उस कंट्री बारे थानू थोड़ी जी नॉलेज चाहिए आ, क्योंकि जो तुसी टूरिस्ट ते जाने आ तो सवाल जवाब जरूर करते हैं कि तुसी इत्थे किहड़ी चीज़ देखनी आ, किस बिहाब ते तुसी इत्थे आए हो। तो तुसी उस कंट्री बारे थोड़ा जिहा, क्योंकि हुण अजकल दे टाइम विच गूगल दे उत्ते जां सोशल मीडिया ते जिस कंट्री तुसी जाना आ उहदी बहुत सारी इनफॉर्मेशन पई आ, तुसी उह इनफॉर्मेशन इकट्ठी करके उत्थों उहदा सारा डाटा इकट्ठा करके तुसी एक तैयारी करके जाओ फुल, तुसीं वो कॉन्फिडेंस ना जाओ कि जे तुहानू ऑफिसर कोई भी सवाल जवाब करता है तो तुसीं उहदा उहनू आंसर दे सको। तो दोस्तों इहदे विच इह आ वी सर्बिया ने एंट्री कोई नहीं बंद कीती, जिस तरीके नाल पहले जांदे सी उस तरीके नाल हुण जांदे आ। इह आ वी जदों तुसीं इंडिया तो जांदे आ तां जिहड़ी तुहाडी एयरलाइन आ उह कई वेले तुहानू फ्लाई नहीं करन दिंदी, क्योंकि इंडिया तो थोड़ा जिहा सख्ती उहने ज़्यादा कीती हुई आ। जे तुसीं किसी होर कंट्री तो जांदे हो जिद्दां दुबई तो
हो गया, सऊदीया तो हो गया, बहरीन तो हो गया, किसी होर कंट्री तो तुसी सर्बिया नूं जाने हो तो उत्थे थोड़ी जी एयरलाइन तुहाडे कोले निसवा जवाब नहीं करदी, उत्थों थोड़ा जिहा ईजी हो जाता है। तो बाकी एक होर मैं गल कर दिंदा, जे तुसी सर्बिया जाना चाहते हो भी तुहानूं बड़ा कोई क्वेश्चन ना करे जां तुहानूं रोक टोक ना होवे, तो दोस्तों तुसी रशिया का वीजा लै रहे हो, रशिया तो तुसी सर्बिया जा सकते हो, तो उत्थों तुहानूं ईजी एंट्री मिल जाती है। तो दोस्तों अज की वीडियो इन्नी आप जानकारी देनी सी कि जिहड़ा सर्बिया की एंट्री है वो कोई बंद